खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्री कर्णसागर प्रभु जी के प्रेम भिक्षु बंधु भाई और बहनों, प्रभु जी की महान कृपा से, अत्यंत कृपा से हम प्रतिवर्ष की तरह फिर यहाँ प्रभु जी के जन्मोत्सव पर एकत्र हो रहे हैं। सब भगत आ रहे हैं, आ गए हैं, अवसर में बैठे हैं, उनके जन्मोत्सव पर अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट करने के लिए। जब आते हैं तो केवल श्रद्धा के पुष्प भेंट नहीं करने होते, उनसे कुछ प्राप्त करना होते हैं। खाली नहीं जाना होता, खाली चले गए तो क्या लिया। वो हमें क्या देते हैं, आशीर्वाद तो देते ही हैं उनको जो उनके नियमों पर चलते हैं। सब आशीर्वाद के अधिकारी नहीं होते, जो उनके असूलों पर चलते हैं। ये योग मार्ग है। प्रभु जी आए, भगवान कृष्ण आए, एक ही स्वरूप है। उन्होंने भी कहा कि योग मार्ग नष्ट हो गया था, मैंने सतयुग में मनु को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूँ। 5000 साल के बाद फिर आए कि हम उसी योग मार्ग को पुनरुद्धार करने के लिए आए हैं। एक शब्द में यही है कि वो हमें योग दे रहे हैं, लेना है और लेकर संभालना है, उस पर चलना है। योग ही एक मार्ग है जो कि हमें मनुष्य जन्म के शिखर तक पहुंचाएगा। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए नहीं है, ये एक उन्नति करने के लिए है। हम किसी पाठशाला में पढ़ते हैं तो पाठशाला में पढ़ने के जाने के लिए पढ़ते, हम वहाँ से सफलता के लिए जाते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता तभी होगी जब हम यत्न करेंगे, तो प्रभु की कृपा भी तभी करेंगे जब हम यत्न करेंगे। ईश्वर ऐसे कृपा नहीं करता। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम कहें भगवान की प्रभु कृपा हो जाएगी, नहीं होगी कृपा। अगर हम यत्न ही नहीं करेंगे तो कृपा कैसे होगी। तो हमारा रास्ता बड़ा चौड़ाई का है, बड़ा दूर का है। यत्न करते जाओ, यत्न करते जाओ और पहुंच जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे। ये है रास्ता। कोई भी हम मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता। जीवन सृष्टि में कोई चीज स्थिर नहीं है, ना सूर्य स्थिर है, ना चांद स्थिर है, ना ग्रह नक्षत्र स्थिर है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा जीवन भी चल रहा है, चाहे उन्नति की ओर चाहे अधःपतन की ओर। उन्नति की ओर जाएगा तो वो जिसके लिए आए हैं मोक्ष के लिए वो प्राप्त करेंगे, नहीं तो जाएंगे योनियों के अंदर। कर्म को भगवान किसी कहते हैं योग में बदल दो। अगर सिर्फ कर्म ही करते रहोगे, कर्म से बंधन होता है,
और अगर योग मिल दोगे कर्म योग से नहीं उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो योग करने के लिए प्रभु एक पास आए हैं, हम योग करें, उनकी शिक्षाएं बहुत हैं, योग यहाँ पर सीखनी है। ये जो सत्संग है ये सिर्फ आकर कीर्तन करने के लिए है, ये सीखने के लिए है। आप प्रातःकाल उठते हैं, योग के भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न उपाय, सब कुछ करना है। मैंने बताया था चार प्रकार का योग होता है, चारों करने हैं। हठ योग जिसमें शरीर का द्वारा करके कुंडलनी शाकृत करते हैं जो मुक्ति का पाप है। राजयोग जिसमें यम नियमों का पालन करके वृत्तियों का निग्रह करते हैं और वृत्ति निरोध करके मुक्ति तक पहुँचते हैं। भक्ति योग जिसमें भगवान को आत्मसमर्पण करके भगवान के दर्शन करके उनमें समा जाते हैं, मुक्ति तक पहुँचते हैं। और फिर जीवन, प्रभु ने कहा ये हमारा जीवन जो है वो गृहस्थ में योग लाए हैं, भगवान कृष्ण ने गृहस्थ में योग लाए और प्रभु जी गृहस्थ में योग लाए। ये योग साधुओं के लिए नहीं है, जंगल में जाकर योग करने के लिए प्रभु लाए, वो है संसार के लिए, ये संसार के चलाने के लिए है। अगर हम दूसरा योग करेंगे संसार प्रभु जी की जो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और वो है कर्म करो और कर्म के साथ योग भी करो, सारा कर्म करो, करते करते पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, लेकिन अगर भगवान की शरण में हो गए तो पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे। क्यों? हम योग कर रहे हैं, लेकिन वो तब जब कर्म योग में बदल जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने एक जगह श्लोक दिया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। एक दुराचारी भी अगर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है और योग करता है, मैं उसके पाप दूर कर देता हूँ, उसे कर्म उसके पाप नहीं लगेंगे। साधु रे मंतव्या, जिस वक्त तो मेरी शरण में आता है उसी वक्त तो उसको महात्मा की डिग्री मिल जाती है। एक स्टूडेंट को जिस वक्त PhD मिल जाती है उसी वक्त प्रोफेसर लग जाते हैं, जब भगवान की शरण में आते हैं उसी वक्त महात्मा बन जाते हैं। क्यों? वो बचाते हैं हमें पाप सेने से। सम्यक भक्ति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। कुंते प्रति जानी है अर्जुन जानो ना मैं भक्ता बन रही, मेरा भगत कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हम प्रति की शरण में, हम इस योग करेंगे उनके शरण में, हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु यत्न तो करना पड़ेगा। अब यत्न करते हैं, जब कोई भी काम किया जाता है तो विपरीत शक्तियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, उनसे बचना है। दुश्मन हमारे मगर लगे हुए हैं जो हमें इधर नहीं चलने देते, दुश्मनों से बचना है। हर एक पीछे लगा हुआ है, मेरे पीछे भी दुश्मन लगे हुए हैं, आपके पीछे भी लगे हुए हैं, बचो। हम आए हैं करना चाहते हैं वो करने नहीं देते। योग दुश्मन लिखे है, दो बड़े दुश्मन हैं, उनसे बचो। ये योग के दुश्मन है ना, हम दुनियावी दुश्मन की बात नहीं करते, वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये तो बिगाड़ते हैं, ये तो हमें नहीं चलने देते। प्रभु कहते हैं आओ, वो कहते हैं ना आओ। उसमें योग दर्श में लिखा है, एक है सत्यान, दूसरा परमार्थ। ये बड़े भारी दुश्मन हमारे, तो आ जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी, स्वामी मनुष्य जी महाराज, प्रभु
ने कहा रात को ध्यान में बैठा करो, तो ध्यान में बैठते तो नींद आ जाती। उन्होंने एक दिन किया, अपनी चोटी बांध दी छत के साथ कि जरा नींद आएगी, झटका लगेगा तो झाक खुल जाएगी, फिर ध्यान कराएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, ज़्यादा झटका लग गया, उनके बाल टूट गए, उनके अपने बताया। तो जब प्रभु के पास सुबह गए तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं, फिर भी सावधान रहना पड़ता है, तुम्हारी चोटी के बाल नहीं टूटे, मेरी चोटी के बाल टूटे हैं, पर अपनी चोटी के बाल तो खा दी। देखो गुरु और शिष्य एक ही होते हैं, परंतु यत्न तो करना है। सुस्ती आ जाती है, वो ये नहीं कहते चोटी बांधो, वो कहते हैं कि वक्त पर उठ कर। तो जो योग के साधन तो वो करो, शरीर के साधन ने बतलाए हैं षटकर्म, आसन, प्राणायाम, तो हम वो करते नहीं हैं। यहाँ आकर ये सीखना है कि नियम पूर्वक आसन करें। सुस्ती आ जाती है, 24 घंटे दिए भगवान ने, उनमें से भी हम 2 घंटे नहीं निकालते, सुस्ती है। 1 घंटा रोज योग करना है, ये नियम है, और यहाँ आकर ये नहीं आ सकते, तो यहाँ जब इकट्ठे होते हैं यहाँ सीख के जाना है और दूसरों को सिखलाना है। आज अगर नियम चलेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, और फल क्या है? बीमारी। ये बीमारी हमारे अवहेलना से आती है, सुस्ती से आती है। मैं जब छोटा था बड़ा जुकाम लगता था, जब स्वामी महाराज के पास गया, उस समय अभी नया नया शुरू हुआ था, किसी को पता नहीं था नेती होती है, तब से जुकाम नहीं लगा मुझे, बुखार होते थे, तब से बच गया। मगर सुस्ती करेंगे तो फिर तो जुकाम लगेगा ही। वो सुस्ती दुश्मन है, वो भी दबाना चाहती है और प्रभु जी हमें बचाना चाहते हैं। तो जब यहाँ आए हैं, एक ये बात लेके जाएं, संक्षेप में यही बात है कि यहाँ से ये लेके जाएं कि समय पर जो योग का साधन का समय है वो करें, क्योंकि दुनिया को ये नहीं पता। ये मार्ग जो विलक्षण मार्ग है योग का, गीता में लिखा है जो योग का मार्ग है विलक्षण मार्ग है, जो भगवान किशन ने दिया, भगवान प्रभु राम ने दिया, दुनिया को पता नहीं था। भगवान आए कि भूल गया है, प्रभु पास भूल गया है, मुझे पता है जब हम गुरु महाराज पास गए किसी को नेति नहीं आती थी, उन्होंने अपने हाथ से नेति बना के दी, लोग आते नहीं थे, बड़े बड़े उर्दू में पोस्टर छुपवा कर बांटते थे। योग द्वारा नहीं होता था, वहाँ उर्दू ही उर्दू चलता था उस समय, आज से 60-70 साल पहले उर्दू के हिंदी किसको आती भी नहीं थी। देखो कैसे हम क्या किस दशा में पहुँच गए थे हम, और अब भी पहुँचे हुए हैं। योग के जरिए हर एक बीमारी का बिना दवाई के इलाज करते हैं, लाइलाज बीमारी का। देखो लाल है अभी उर्दू शब्द, और लोग कोई आता ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, लेकिन हम जैसे प्रभु के ले आए, विश्वास आ गया, सीखा, और प्रभु महाराज कहते थे तुमने सीखा तो भाई सिखलाया है, प्रभु कहते हैं हमने ये संसार में फिर दोबारा करना है, तुम भी सिखलाओ। तो गुरु का आज्ञा मान कर सिखलाया जितना हो सकता था हमसे,
तो ये है कि सुस्ती नहीं करनी, योग के साधन रोज करने हैं, ना करोगे तो बीमार हो जाओगे। और फिर जब डॉक्टरों के लाइन में खड़े होंगे तब सुस्ती खुद ही भाग जाएगी, तो क्यों पहले ना क्यों भगा दें। एक तो ये है सुस्ती, सुस्ती का दुश्मन, इससे बचे योग के साधन करो। योग साधन एक नहीं, अनेकों हैं साधन जो प्रभु जी बतला रहे हैं। मैंने एक नेति आदि का ही कहा, व्यक्ति है प्राणायाम है। और एक और दुश्मन हमारा, ये मैंने कहा योग दर्शन कह रहे, व्याधि स्थान प्रमाद आलस्य अभिरति भ्रंति दुश्मन, ये सारा है कि योग के हमारे में रास्ते रुकावट हैं, कई हैं, पर मुख्य ये मैं कह रहा हूँ दो हैं, सुस्ती। यहाँ भी कई सुबह हम कहें कि जो यहाँ रहता है उसको सीख के जाना है करना है, और कई कहते हैं नींद आई है तो नींद नहीं, नींद को छोड़ना पड़ेगा यहाँ, और घर भी छोड़ना पड़ेगा, उठो। और दूसरों को भी उठाओ। अब प्रमाद क्या होता है, इससे बचने प्रमाद होता है टमाटोल करना, अच्छा मेरा आज इम्तिहान है तो ख़त्म तब होगा, ज़रा ये कोई वक्त है भक्ति करने का, बूढ़े होकर करनी चाहिए, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होते होते शायद बूढ़े हो ही ना, ख़त्म हो जाए। एक एक क्षण जो है हमारा कीमती है, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अभी करो, ये प्रमाद का उल्ट है। तो हम प्रमाद ना करें, आए हैं अब जो यहाँ से अभी सीखें, जो नहीं आता और सीख के घर में जा करें। जब हम यहाँ आते हैं तो ये प्रभु जी मैंने प्रार्थना की कि हम जब साल बाद प्रभु जी लाते हैं हमें, तो ये एक अवश्य लेके जाना है कि हम प्रभु जी के बतलाए हुए जो शिक्षा है उस पर चलेंगे तभी कृपा होगी। हमें देखे कि कहते तो हम प्रभु जी भगत हैं, हमें फिर भी दुख क्यों आते हैं, आएंगे ज़रूर आएंगे अगर उनकी आज्ञाओं पर न चलेंगे तो। और अनेकों नियम हैं, ये नहीं कि हठ योग किए हैं, राजयोग किए हैं, सच्चाई किए हैं, अहिंसा के हैं, वो तो पता ही है आपको। प्रभु के नियमों पर चलें, उनकी शिक्षा पर चलें, शिक्षा तो हम उनके ग्रंथों को पढ़ें, पता लग जाता है कि प्रभु जी क्या कहते हैं। तो मेरा प्रार्थना थी आज कि हम आए हैं आकर प्रभु जी के जो नियम हैं उनको हम आत्मसात करें। उनके राजयोग के नियम हैं, उनके हठ योग के नियम हैं, भक्ति योग के नियम हैं और कर्म योग के नियम हैं। चार प्रकार के योग होता है। कर्म योग का है क्या क्या नियम है, कर्म योग तो सबके लिए है। दिन भर प्रभु जी को याद करते रहें, कर्म योग के तीन भाग होते हैं, वो क्या, एक है वैराग्य, दूसरा है भगवान को याद करना और तीसरा कर्म करना। ये भी करना है। अब दुनिया में फंस जाएंगे तो वैराग्य नहीं होगा, दुनिया विरक्त जब ना होंगे योगी नहीं होगा, लिखा है ना अभ्यास वैराग्य व्यायाम तन निरोधा, वैराग के बिना तो निरोध नहीं होगा। तो कर्म योग में तो पहली चीज है वैराग, और दूसरा भगवान का भजन। हाथ से और तीसरा काम करना, हर वक्त काम करें, एक क्षण भी योगी का खाली नहीं जाता। आज हम देखते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं, काम नहीं करते, और फिर कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया,
डिप्रेशन है उस आदमी की बीमारी जिसको कोई काम ना हो, हर रोज काम लगे रहना चाहिए, तो वो है कर्म। तो एक मोटे शब्द में कर्म योग क्या है, मन में राम कर से काम और संसार से वैराग्य। तो इस तरह हर एक योग नियम है, भक्ति का नियम है, वो है पढ़े सुने कितने पुस्तकें अपने प्रयोग दी, ये जो पुस्तकें प्रयोजन दी ये प्रयोजन दी हैं और उन में हमें रास्ता मिला है। हर एक धर्म की एक पुस्तक होती है, आपकी भी एक पुस्तक है और उसको उसे लाभ उठाएं। तो हम प्रभु जी कृपा करें, हम यहाँ आए हैं, चार पांच दिन हमने यहाँ प्रभु जी के चरणों में कई बातें सुननी हैं, उपदेश सुनने हैं, पर सुनकर सुनने से बगैर भी हम जानते हैं क्या करना है, मगर करते नहीं। सुनकर भी ना करें तो फिर दुख तो पाएंगे ही, बीमार होना पाप है। क्यों? हम शरीर जो भगवान ने दिया है उसको खराब कर लेते हैं अवहेलना से। जो बीमार है उसने पाप किया है तो ही बीमार है, यानी कि पूर्व जन्म का पाप किया है, अब पाप किया है, ज़्यादा खाता है, वक्त पर उठता नहीं है, व्यायाम नहीं करता, नेटी धोती प्राणायाम नहीं करता, तो बीमार तो हो गई, तो खुद ही तो पाप किया है, खुद ही भोग रहा है। जी बे मिश्रदा शत्रु, भगवान ने कहा तुम 100 साल तक जीवित रह सकते हो, परंतु करो तो कुछ, श्रीनियाम श्रद्धा शतम, 100 साल सुन भी सकते हो, पर शेम श्रद्धा शतम। स्वामी जी कहते थे हमने लोगों की ऐन क्यों उतारी हैं नेटी द्वारा, आप भी ऐनक से ना लग, नहीं लगेगी ऐनक, नेटी तो करो। अगर वेद कहते हैं 100 साल तक देखते रहें तो देखते कैसे रहेंगे जब तक नेत्री नहीं करेंगे, तो नेत्र ज्योति पर काफी नेत्री हमारे आश्रम की पुस्तक है, ये प्रार्थना से नहीं है। ये बड़े बड़े हमने लेक्चर सुने हैं, करते भी हैं कि 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक बोलते रहें, पर प्रभाम श्रद्धा से तुम 100 साल बोलते भी रहें, दीनाम श्याम श्रद्धा से तुम 100 साल दाम किसी के मुताज ना हो, कहते बस प्रार्थना हो गई, कभी नहीं योग सिद्ध होगा, योग करना पड़ेगा। 100 साल तक वही जी सकता है जो देख सकता है, जो नीति करता है, और कैसे देख सकता है, और उसे कान और आंखें एक जैसे दोनों का संबंध है, और 100 साल बोल सब तो भी सकते हैं, जब अमन बारा करेगा तो गला रुक जाएगा। एक उस दिन बहन आई, मेरा गला रुका हुआ है, मेरा बात नहीं होती, डॉक्टर कहता क्या करें, मैं ऑपरेशन करा लो, नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, फिर क्या करेंगे, मैंने कहा भाई वमन करो धोती करो, चौथे दिन आई ठीक हो गई। भूल आदमी भूल भी तो हो सकता है, जब धोती आदि करेगा तो फिर आता है मेरा वो जी बीमार पड़ा है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, बस यही बीमारी है उसको, कितनी उम्र है 75 साल की, मेरा लीडर है जिसने पड़ा हुआ है, बड़ी बात है, सांस ले सकते, ऑक्सीजन लगी हुई है, मैंने कहा लगेगी और बचेगा भी नहीं, वो प्राणायाम नहीं करता, प्राणायाम करता होता तो फेफड़ों का बात है, दिल और फेफड़े एक जैसे हैं, सांस कैसे रुक सकता है, फेफड़े काम करना ही करना है, दिल ने भी काम करना ही करना है, और दोनों ने काम करना है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए यत्न तो करो, नहीं दवाई से ठीक हो जाएगा, दवाई अपनी जगह है, लेकिन योग का दवाई जो है योग का स्थान नहीं ले सकती, कोई भी दवाई योग का स्थान नहीं ले सकती, योग योग ही है। तो आज हम इस पर विशेष शिक्षा 4 दिन रहेंगे, शिक्षा लेके जाना है, सब खूब साधन सीखें, खूब भक्ति करें,
और या शिक्षा लेके या प्रेरणा लेके जाए। ये जैसे अंगीठी के पास बैठते ना तो ठहरा शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी आती है, पंखे नीचे बैठते हैं आराम आ जाता है। यहाँ आए हैं तो हम एक प्रेरणा लेके जाएंगे और घर में जाकर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ना हमारा मन बीमार हो, ना हमारा शरीर बीमार हो, ना हमारी बुद्धि में भी बुद्धि की भ्रांत हो जाती है, मन जो है विक्षिप्त हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है और क्या होता है आत्मा नरक में पड़ जाती है, ये होता है। तो हम प्रभु जी आश्रय में, वो प्रभु जी हैं जिन जैसी शिक्षा संसार में कोई ना दे गया ना देगा, हम उसे लाभ उठाएं। ये है मेरी प्रार्थना आपसे। अब कल का आज का प्रोग्राम यही होगा कि हम अभी पाठ शुरू करेंगे, पाठ के बाद कुछ प्रवचन होंगे और शाम तक चलता रहेगा और रात तक चलता रहेगा। ये चार यहाँ पर ठाकुर साहब ये क्यों कराएंगे। और कल हर वक्त प्रभात फेरी होती है, कल भी प्रभात फेरी है 7 बजे तक। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक सब कुछ करना है, नृत्य भी करनी है, आसन भी करने हैं, तैयार भी होना है और योग भवन की सफाई भी करनी है। और कार्य कुर के 7 बजे फिर प्रभात फेरी होगी और वहाँ हमारा प्रोग्राम भी होता है, जहाँ जाते हैं नाश्ता भी होता है, फिर आकर फिर यहाँ के प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो कल का प्रोग्राम तो अभी ऐसे ही है, लेकिन अभी है जो आगे का प्रोग्राम है सबसे बड़ी चीज़ है हमारे ये प्रभु जी का ग्रंथ का पाठ होता है। अपने ठाकुर साहब पाठ शुरू करवाएंगे, कुछ देर पाठ चलने के बाद फिर एक प्रोग्राम है जो ये जानते हैं और उनको उस कराएंगे। दिन भर पाठ भी होता रहेगा और एक दो आप बीच में उपदेश भी होते रहेंगे। और शाम को जो पाठ होता है, रात्रि का पाठ तो पुरुष करते हैं, दिन का पाठ जो है बहनें करती हैं। तो ठाकुर साहब प्रार्थना है कि पाठ शुरू कराएं।